आज सीएम नीतीश बिहार कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक शाम 4:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में की जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट विभाग की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है। वहीं इससे संबंधित सभी विभागों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। आज के इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सत्र बुलाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। पिछले साल मॉनसून सत्र जून के अंतिम सप्ताह में संचालित हुआ था। चूंकि सीएम नीतीश ने 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक बुलाई है, ऐसे में मॉनसून सत्र को लेकर क्या निर्णय तय होता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बिहार सरकार की ओर से आज की कैबिनेट की बैठक में रोजगार और नौकरी को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर भी सभी की नजर होगी। सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है और लगातार कैबिनेट के पदों के सृजन पर फैसला हो रहा है। पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें अकस्म फसल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की बीज वितरण का बड़ा फैसला लिया गया था। किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था। इसके अलावा पूर्णिया दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए AMU का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के बाद भारतीय विमान प्राधिकरण के साथ AMU भी हो चुका है। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक शाम 4:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में की जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट विभाग की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है। वहीं इससे संबंधित सभी विभागों को तैयार करने का निर्देश भी जारी किया गया है। आज उस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की उम्मीद है। बता दें कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मॉनसून सत्र बुलाने पर निर्णय लिया जा सकता है। पिछले साल मॉनसून सत्र जून के अंतिम सप्ताह में संचालित किया गया था। चूंकि सीएम नीतीश 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाए हैं, ऐसे में मॉनसून सत्र को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो वहीं बिहार सरकार की ओर से आज की कैबिनेट वाली बैठक में रोजगार और नौकरी के फैसले भी लिए जा सकते हैं, उस पर भी सबकी नज़र होगी। सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है और लगातार कैबिनेट में पदों के सृजन पर भी फैसला हो रहा है। पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें आज वाली कैबिनेट की बैठक भी काफ़ी अहम है। देखने वाली बात होगी कि रोजगार और नौकरी को लेकर आज के कैबिनेट वाली बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा।